बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं कर रही थी अपने रूम की साफ सफाई जो कि हो चुकी है डन। अभी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ किचन में और आज का स्पेशल मेन्यू है इडली। ये देखो यहाँ पर ये सांभर की तैयारी हुई है और ये मस्त इडली। तो आज मस्त इडली खाएंगे, मजे करेंगे। मैं आप लोगों को ले चलती हूँ हॉल में, यहाँ पर बाबा बैठ के देख रहे हैं टीवी। मतलब बाबा को इडली नहीं पसंद ना, तो देखना बाबा कैसे करेंगे। बाबा कैसा लगता है इडली? अच्छा अभी अच्छा बोल रहे हो, ऐसे में क्या होता है? इडली पिटली बोलो। इडली पिटली मेरे को अच्छा नहीं लगता। बाबा को अच्छा लगता है? डोसा खाते हो? डोसा अच्छा लगता है आपको? डोसा भी बनाते हो तो ठीक नहीं बनता, उसमें खड़ा धनिया पड़ता है चोखा में तो अच्छा लगता है। तो उनके हिसाब से बनता है ना जी, पापा के हिसाब से बनता है ना जी। बाबा को नहीं पसंद इडली पिटली पर बन रहा है तो बेचारे बाबा खा लेंगे। मतलब ना जॉइंट फैमिली में ना ऐसे होता है, किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ पसंद होता है। सबके पसंद का बनाना पड़ता है, जो इसके दादा को पसंद है उसके पापा को पसंद नहीं है, जिसके पापा को पसंद है उसके दादा को पसंद नहीं है। और खास पर खास तौर पर अंकुर तो और भी है, उनको तो और ही कुछ अलग ही पसंद है। तो हर संडे को वही नाटक है, सबके अलग पसंद का। तो अभी तो अभी आप बोली ना कि जिसको जो पसंद है वो बनाना पड़ता है, बनाना ही पड़ता है। तो इसीलिए तो मैं अपनी पसंद का बनवा लेती हूँ, फिर जाओ खुद से बनाओ। पर आज तो खिलाओ, पर आज तो पापा की पसंद का बनाना है स्पेशली। तो अगले संडे का तुम्हारा पसंद का बना था, फिर सोचा और अगले संडे का तुम्हारा पसंद का बन जाएगा। मेरे पसंद के ज्यादा बनाए क्योंकि मैं इस फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हूँ। मतलब दो मिनट के लिए अगर मैं कहीं गायब हो जाऊँ ना तो सब जन अंकू 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 ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं। मतलब स्पेशली मेरे दादा, उनको तो और मेरे बिना रहा नहीं जाता। मेरी बहन को नहीं पूछेंगे जितना मेरे को पूछते हैं, मतलब कहाँ गई, अच्छा कुछ खाना है। तो स्पेशली मेरे लिए, अभी तो वैसे घर पे है, बाहर कहीं जाती नहीं। पहले जाते थे ना तो मस्त मेरे लिए समोसे लेके आते थे, उनको पता मेरे को कितना पसंद है तो मस्त मेरे समोसे लेके आते थे। मेरी बहन को तो ऐसे ही, वो उसको ना वैसे भी ना, मतलब उसकी अलग ही स्टोरी है, वो मैं आप लोग को विस्तार में बताऊंगी। उसको हम लोग अडॉप्ट किए थे, वो परेशान नहीं करती, उसको हम लोग अडॉप्ट किए थे, इसलिए ना मेरी मम्मी को थोड़ा ज्यादा लगाव है। क्या ऐसे पराए लोगों से थोड़ा सा दिखाना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो स्टोरी मैं आप लोग को ना दोपहर ऊपर मैं ऐसे विस्तार से बता दूंगी। ओके हे फ्रेंड्स, तो मैं हो चुकी हूँ ना अगर अच्छे से रेडी। तो मैं अभी जा रही हूँ अंदर क्योंकि अंशु भी मतलब बहुत देर से बोल रही है कि उसको डांस का वीडियो बनाना है मम्मी और मेरे साथ। तो मतलब मम्मी तो वैसे रेडी ही है बट ना मम्मी अच्छा उसको गोली दे देती है, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। तो मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि वो लोग मतलब क्या कर रहे हैं। अभी चुके हैं रेडी। आप कमेंट करके प्लीज बताना कि दीदी कैसी दिख रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है पर ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। मैं मतलब अंदर गई थी कि मतलब ठीक है यार, जींस में टॉप में मतलब कुछ मस्ती कर लेते, डांस कर लेते, नहीं तो लोग जबरदस्ती साड़ी पहना दी होगी। मुझे मतलब अजीब लग रहा है, मैं अच्छी लग भी रही हूँ कि नहीं पता। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि दीदी कैसी दिख रही है। यहाँ नेक्स्ट हीरोइन ही हमारी मम्मी। मम्मी मम्मी जल्दी आना। ओहो हमारी हीरोइनी मम्मी भी तैयार है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब कुछ रील्स बनाने, थोड़ा सा डांस मस्ती करने के लिए। तो हम लोग पहले जल्दी से कर लेते हैं, वो जल्दी बताना ना कि कौन हम तीनों में कौन अच्छा दिख रहा है। मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। अच्छा ला मैं तेरे पर करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं तीनों के ना मतलब सिंगल सिंगल वीडियोस में शूट करती हूँ, तब आप लोग बताना कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है मम्मी के बाद। ओके दिखाऊंगी इनको वाली वॉकिंग करने, ऐसे चल के आ रही ना जैसे मतलब तेलुगु साउथ फिल्म में ना ऐसे विलन को मारने के लिए, सॉरी विलन लोग जाते हैं ना हीरो को मारने के लिए, एकदम वैसी गुंडे टाइप का चल के आ रही है। एकदम दिखाऊंगी मेरी मम्मी पागल, कभी कभी ना बिना पिए बिना पिए जैसे बिहेव करती है जैसे अभी कर रही है। बस मम्मी बस 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 गोली मार दूंगी। क्या पागल नहीं बोल रही? तो गोली मार दूंगी। मारो मर गई मर गई। ठीक काला खत्म नहीं हो रहा, रोला दे रहा उधर शीशे में अपने आप को देख देख के। चल जा काम कर। मेरे
ऐसा कर दी। हाँ मतलब बार बार डांस कर रहे हो आप, बीच बीच में निकल जा रही है। मैंने आप वीडियो में जरूर देखूंगी, मैं डालूंगी वो क्लिप। मुझे डांस नहीं आता, वीडियो में जरूर आता है। मम्मी आप बहुत डरा रहे हैं मुझसे। आता है मम्मी को, सब आता है, फिर भी मम्मी ने नौटंकी करती है। देखना बीच बीच में तीन चार बार वैसे इतना अच्छा खासा डांस कर रहे हैं फ्लो फ्लो में, और बीच बीच में वैसे ही निकल जा रही है। जब डांस करना पहले बहुत शौक था, करती भी थी, पर अभी नहीं करती हूँ, सारे रिश्ते भूल गई हूँ। सब आता है आपको, सब आता है आपको, नौटंकी मत करो, सब आता है। डांस अच्छा नहीं है। अच्छा फ्रांस का करते हालत खराब हो गई है, हवा खाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मम्मी इन्हें मेरा मजाक उड़ा रहे, साड़ी पहनी हूँ तो, वो भी मतलब ये टॉप पे पहनी हूँ तो बस। कौन मजाक उड़ा रहा है? कौन? तुम दोनों। मैं तो नहीं उड़ा, मैं तो इतना बोली कि इतनी अच्छी दिख रही है। मैं भी नहीं उड़ाई। तो हंस क्यों रहे हो? मम्मी हंस रही है। हंसना मजा ही क्या? हाँ मम्मी पी ली है सुबह सुबह, मम्मी सुबह सुबह पी ली है। इन लोग मेरे को भारी परेशान करते रहते हैं ऐसे ही, पता। तो मैं आप लोग बताने वाली हूँ, बस एक हफ्ते बचे हैं मेरी बहन के बर्थडे में, बस मतलब इस संडे को छोड़ के नेक्स्ट संडे को, हाँ मतलब नेक्स्ट संडे को ही मेरी बहन का बर्थडे है। और ये बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में इसका बर्थडे पड़ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला पाएगी। नहीं देखो मम्मी, मैं आपको बताई थी ना, देखो मैं क्या सोची थी, इतना अच्छा आइडिया था, मतलब इतना एक नंबर आइडिया था। मम्मी अपनी पुरानी एक साड़ी दे देती इसको गिफ्ट में, मैं अपने एक पुराना टॉप और एक पुराना जींस, एक तो खो गया बेकार था, मतलब अच्छा है तेरे लिए, बहुत अच्छा है दीदी, इतना महंगा गिफ्ट मत दे मेरे को, तो मैं वो इसको दे दूंगी। और इसके अलावा मैं इसको दूंगी 5 रुपए वाला चिप्स, ओके 5 रुपए वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट, और उसको हजम करने के लिए 2 रुपए वाला हाजमोला। वो तो चार्जर से मंगवाई है स्पेशली, कहाँ से? दुबई से, दुबई से चार्जर से ऑर्डर किया वहाँ पे, तो वहाँ से स्पेशली अपने लिए। मतलब ये पहले मेरे को बोली थी कि इसको मेकअप चाहिए, मेकअप का सामान चाहिए, बट फिर मैं इसको बोली कि अभी तो लॉकडाउन है तो कहीं से भी नहीं हो पाएगा, तो फिर मेरे को पहले चाचू को पहले ही बोल दी ना कि चाचा मेरे को चाहिए, आप लेते हुए आना आओगे तो फिर मेरे को मना कर दी कि नहीं मेरे को तेज नहीं चाहिए, मेरे चाचा ला के दे रहे हैं मेरे को। मम्मी डराना नहीं है सबको, मम्मी मत मारो, मम्मी मत मारो, मम्मी मत मारो, हो गया ना टंकी, जा योर हस्बैंड इज कॉलिंग यू, बाय टाटा टाटा। तो मम्मी अभी चले गई है पापा के पास, मतलब कुछ काम वाम करने के लिए, तो अभी अंशु के साथ मैं अकेले हूँ, तो इसको मतलब कवर करने के लिए अभी मम्मी नहीं है, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि अंशु आपको कैसे मिली थी, है ना। तो मतलब ये कहानी है, मतलब एक बरसाती हुई रात थी, तो मम्मी को मन हुआ चाय पीने का, ठीक है, तो अब इतनी रात तो कोई दूध वाला आएगा नहीं, कोई दुकान खुलेगा नहीं, तो मम्मी को पहुंच गई भैंस के तबेले में, और वहां उनको मिली अंशु, गोबरों के बीच अंशु मिली उनको एक टोकरी में। अब मेरी मम्मी इतनी बड़ी दिल वाली है, उनको दया आ गई इसको देख के, तब से इसको ले आई, तो मतलब
तब से अब बहन मान लेना पड़ता है थोड़ा सा, इसीलिए मतलब दर्द हो गया इतना। अच्छा मैं मेरी मम्मी अपनी लाइफ जी रहे थे, उनकी सिंगल बेटी, तो ये आ गई हमारे बीच में। तो नहीं पर नहीं, मेरी अच्छी बहन है, मैं सारा काम करके देती हूँ, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी बहन है, मेरा सारा काम करती है। ये मुझे ये साड़ी भी इसी ने पहनाई है, उसको बचपन की साड़ी पहनने की बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। अंजू अपना वो बिग लगाना स्लैक्स को ना बिग लगा के पहन लेती है, मतलब कलरफुल स्लैक्स को बिग से पहन लेगी, बाल बना के टीचर खेलती थी, मतलब इसको देख के इतना ज्यादा हंसी आता था। तो अभी बस एक हफ्ते बचे हुए है अंशु, उन्हें गिफ्ट के लिए रेडी रहना, मैं तुम्हें बोली तुम्हें वही चीजें मिलेगी, ठीक है? मम्मी की साड़ी, मेरे पुराने कपड़े, ठीक है? तो अंशु का गिफ्ट भी मैंने बता दिया, एक हफ्ते में उसका बर्थडे है, बेचारी लॉकडाउन में उसका बर्थडे पड़ रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है। बट कोई नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि घर में बहुत सारी मस्ती कर सके, जैसे कि आज की है, इससे भी डबल तिगुनी मस्ती करेंगे अंशु के बर्थडे के दिन। तो अभी मतलब दोपहर हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 3 दिन बच चुके हैं शायद मेरे ख्याल से, तो अभी भूख लग गई है, तो जा रहे हैं जल्दी खाना खाने, मम्मी को भी बुला लेते हैं, उनका काम हो गया होगा, तो हम दोनों भी जाते हैं चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा खाना पीना खा के रेस्ट कर लेते हैं, यार बहुत ज्यादा थक गए डांस वंस करके। ओके, मतलब उस टाइम से मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि ब्लॉगिंग थोड़ा सा भी मतलब वीडियो कर ही नहीं पाई थी। एक्चुअली मैं अभी बना रही हूँ चाट की रेसिपी, तो जिसकी वजह से उसी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो मतलब क्योंकि मम्मी पापा यहाँ सो रहे थे, तो ये भी ध्यान रखना था कि ज़्यादा हल्ला ना हो, उनको डिस्टर्ब ना हो, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो अब भी फाइनली बनकर कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद आखिर हम लोग बैठ ही गए हैं अभी चखने के लिए। अब बाबा दादी बाकी सब लोग तो खा ही लिए, और मम्मी का भी मौसी से बात हो गया फोन पे, उनको भी मम्मी चखा दी फोन पे ही, वो लोग भी बोले बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग भी फाइनली खा लेते हैं पहले। और पता है सबसे बड़ी बात, मैं जो भी रेसिपी देखेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इतना जल्दबाजी में बनाई ना, मतलब मैं सिर्फ प्याज गार्निश करना ही भूल गई। तो आप लोग कर लेना है जो भी रेसिपी देखेगा, बाकी मैंने ए टू जेड चीजें उसमें ऐड करी ही है, उसे प्याज डालना भूल गई थी, वो भी मम्मी बाद में याद रही, अरे यार तू तो प्याज डाल ही नहीं है करके। अब मैं इतना हड़बड़ में बनाई हूँ ना, 10 बार ये काम वो काम, और फिर मम्मी सो रही थी तो डिस्टर्ब भी ना हो, उसका उस चक्कर में ना और भी लेट हो गया था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो गई थी, इसकी वजह से प्याज गार्निश करना भूल गई। तो वो आप लोग गार्निश कर लेना, बाकी सब चीज़ें उसमें ऐड है ही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लूडो खेलने, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ अंशु को हरा दूँ अच्छे से, देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है, देख लेंगे देख लेना। ओके, ये अंशु मेरे जस्ट पीछे पड़ी हुई है। अरे यार राक्षसी, माय गॉड, पूरा मैं यहाँ पे आ गई थी तो ये चुड़ैल काट दी, खुल गया मेरा जाना, मेरे साथ है, खुल गया मेरा, तू रुक बेटा आप कैसे काट रही। अरे यार ये बहुत गलत बात है, भगवान मेरे साथ क्यों धोखा करते हो हमेशा। आप लोग भी देख सकते हैं मैं उसके पहले घुस गई थी इतने देर के पहले, जो पूरा राउंड मार के आ गए और अंदर घुस गए। पापा क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, 3-3 बार काटा, 3-3 बार उसके पहले ये मेरे को 3-3 बार काटी थी, उसके पहले मैं सिर्फ इसको एक बार काटी थी, नहीं ये मेरे को लूजर लोग ऐसी बातें करते हैं अपने आप को साबित करने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, पर लूजर लूजर ही रहेंगे। तो तू लूजर, ये बचपन में भी इतना चीटिंग करती थी, कैरम बोर्ड, ये चीटर फोर, भगवान क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, क्यों भगवान ही तो मेरे, मैं पहले घुस गई थी अंदर, ये बाद में आई थी राउंड में, हो जाएगी। और हम दोनों के झगड़े में ना
हम दोनों झगड़े में मेरी मम्मी तो फर्स्ट आती है जब भी हम खेलते हैं, हमेशा पतली, हम दोनों को झगड़ा लगा के ना डिवाइड एंड रूल करती है और खुद पतली गली से निकल जाती है। मम्मी चीटिंग नहीं करती, मम्मी बस हम दोनों के बीच में झगड़ा लगवा के खुद भाग लेती है। ये बात सही है, चक्कर में अपना बॉडी को अंदर पिलाने की मम्मी करेंगे डायलॉग बोलते मार जगह में रहती बस मार देती है अभी बता नहीं तो आगे बढ़ा रही थी गोटी में मारना नहीं चाहती मैं तो मारना नहीं चाहती थी वो तो गलती से हो गया मैं तो आगे बढ़ा रही थी आपको अपनी बेटी को चिढ़ाने में ऊपर से हंस रही हो मजाक उड़ा रही हो चलो मतलब अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है इस गेम को स्टार्ट किए हुए और मम्मी यहाँ पहुँच गई ये लेडीज जादू टूना जानती है मम्मी को इनके कोई सांप भी नहीं काटता फिर मम्मी यहाँ पहुँच गई। आप नहीं खेलोगी नेक्स्ट टाइम से हमारे साथ? आप नहीं खेलोगी? आप डिस्क्वालीफाई हो, आप नहीं खेल सकती। ये पक्का इनमें कोई जादू टोना आता है। अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है, जस्ट अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है, बोला गेम खत्म हुआ, इसको स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना भाई। हम नहीं खेलोगे नेक्स्ट गेम से, आपका लास्ट गेम है हमारे साथ, आप नहीं खेल सकती। ये मैं जीत गई, मतलब ना मम्मी का एक बसाने के लिए बचा था और अंशु भी इनफैक्ट मम्मी के साथ 99 पर ही पहुंच गई थी और मैं फाइनली जीत गई। थैंक यू भगवान, भगवान ने ना मतलब ना मेरा ना बदला ले लिया इन लोग से जो लूडो में इन लोग ने किया था, सांप सीढ़ी में मैंने हरा लिया दोनों के मुंह। भगवान ने मेरा बदला लिया है, थैंक यू पापा। और आज हमने कर ली वैसे भी बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी बातें और ये सुंदर सांसे बन गया चोटी जो मैंने की थी उसकी वजह से। तो ओके गाइस, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।